वैसे दोस्तों इसके काटने पर कुछ होता नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, दो गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ऐसे में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज वाराणसी सिटी से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है सिंधौरा। तो दोस्तों रास्ते में थे, सूचना मिली और आना पड़ा। चलते हैं, दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में कि सांप कौन सा है। नज़रें जमा रखिएगा दोस्तों, क्योंकि परिवार थोड़ा सा भयभीत है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि सांप कौन सा है। प्लीज़ कम। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं, जहाँ पर इंसान रहता है अपनी व्यवस्था को बना के रखता है। अब ये निकल जाएगा ना? नहीं, ये तो बहुत जल्दी निकलेगा। नहीं नहीं, पहले इसको टंकी निकाल दीजिए बाहर। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों के बीच में रहते रहते कभी कभी इतने खतरनाक सांप भी आते हैं। अगर गलती से चूहे को बाइट कर दिया और चूहा को अपना भोजन नहीं बना पाया, तो चूहा दोस्तों अगर दूर जाकर के मर गया, उसकी मृत हो गई यानी कि डेथ हो गई, तो देख सकते हैं उसके हालत क्या हो सकते हैं उसके जहर से। आइए करीब से आपको दिखाते हैं उसके कंकाल को। दिखाई भैया। तो दोस्तों वो इतना खतरनाक सांप है कि उसके बाइट करने के बाद चूहे की ये हालत है। आप इसको देख के समझ सकते हैं, पूरी तरीके से कंकाल हो चुका है। और इसी के नीचे यानी कि यहाँ पर अनाज है और अनाज को खाने के लिए चूहा आता रहता है, और जो पसंदीदा भोजन है उसका ये चूहा ही है दोस्तों। तो हो सकता है स्पेक्टिकल कोबरा ही हो, डेढ़ साल। तो हम खोजबीन करते हैं। अभी एक टंकी और है, इसको भी हटाते हैं, इसके नीचे आपसे रूबरू कराते हैं। भैया निकालिए इसको भी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक में चावल था और एक में गेहूं था। दोस्तों अन्न में प्राण बचते हैं, दुनिया की बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और अगर आपके शरीर में अन्न नहीं जा पाएंगे तो प्राण बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है लगभग सभी लोगों पर। एक कुदाल लाइए, रेडी रहिए, अगर इसके नीचे होगा फटाक दिखेगा। ठीक, इसमें मैं भी रेडी रही। ठीक है, बिल है इसके नीचे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कहीं हो सकता जी। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बोलिए नहीं। दोस्तों इसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड, सॉरी दोस्तों इसी को स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं और इसी को नाग भी कहते हैं। भैया बोलिएगा नहीं। तो दोस्तों इसके बाइट करने के बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। आप करेंगे दोस्तों आपके साथ खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इनका कहना था कि यहाँ पर दो सांप हैं। आप देख करके समझ सकते हैं कि जहाँ पर अनाज रखा जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा एक संदेश के रूप में, कि दोस्तों ऐसा सांप जब भी हमारे आपके घरों के अंदर जहाँ पर अनाज रखा रहता है वहीं पर चूहा जाता है। थोड़ी शांति बताइए, शांत रहें थोड़ा सा। तो दोस्तों उसी के पास में ये सांप अक्सर आता रहता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसी कोबरे की बाइट की वजह से ये चूहे की ये हालत है, बिल्कुल कंकाल बना दिया है। तो दोस्तों ये इतना जहरीला है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये खतरा पहुँचाएगा दोस्तों, देख के आप समझ सकते हैं। चलिए हम इसे निकालते हैं दोस्तों बाहर और पैक करते हैं फिर। भैया बाहर चलिएगा। बाहर आ जाओ।
भैया आ गए आराम से बाहर से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों काफी खोजबीन हुई, काफी जद्दोजहद हुआ, कड़ी मेहनत के बाद में इसे निकाला गया। तो जब भी ऐसा सांप अगर आपको बाइट करता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, क्योंकि दोस्तों इसके काटने के बाद में 1 घंटे का टाइम होता है। ये इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर है और लोग झाड़ फूक के चक्कर में आते हैं, जिससे बहुत सी सारी मौतें हमारे देश प्रदेश में हो रही हैं आए दिन। वैसे दोस्तों इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। दोस्तों अभी ये लिटिल कोबरा है, वैसे भी इसकी लंबाई तकरीबन 3.5 फीट के आसपास है, ये जान लेने के लिए काफी है। दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत से लोग अंधविश्वास है कि ये फैलाते हैं कि बीन बजाने के बाद में सांप नाचता है, जबकि ऐसी बात नहीं दोस्तों। सांप न तो डांस करता है न तो नाचता है, जिधर आप बीन को घुमाएंगे उसी तरीके से अपने फन को घुमाता है मजबूरी में, बाकी ये तुम ना डांस करें ना नाचे। चलिए हम इसको पैक कर देते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, और नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। अरे माता जी, तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर देते हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए, आप करेंगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है। और दोस्तों इसमें ऑक्सीजन के लिए ऑलरेडी पहले से ही बनाया गया है, और चलते हैं, 2 मिनट का वक्त लेंगे, हो सकता है दूसरा सांप भी घर के अंदर हो। तो हेलो दोस्तों, काफ़ी जद्दोजहद हुआ और कड़ी मेहनत के बाद भी दोस्तों एक ही कोबरा सांप मिला और दूसरा नहीं मिल पाया, हो सकता है कहीं जा भी सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।